कोरोना के संक्रमण के बीच कोटा में राशन वितरण का कार्य शुरू किया गया है, लेकिन इसके बीच में कोटा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। ऐसे में शिवपुरा इलाके में भी महिलाओं को राशन नहीं मिल रहा। इन महिलाओं में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो ज्यादा पीड़ित हैं, लेकिन उनको भी राशन की दुकानों से खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। महिलाओं का इस पर कहना है कि दुकानदार राशन कार्ड को चालू नहीं बता रहे हैं और कलेक्ट्री जाने के लिए बात करते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी उन्हें कलेक्ट्री तक नहीं जाने दे रहे। ऐसे में ना तो महिलाओं को राशन मिल पा रहा है और ना ही प्रशासन की ओर से दी जा रही मदद उन तक पहुंच पा रही है। राशन वाले के मैं विधवा औरत हूँ, बहुत सी मेरे जैसी बहने पड़ी है, उनको दिया नहीं जा रहा है राशन। दो हाथ जोड़ जोड़ के आ रही है, भाई 10-10 किलो दे दो, हमें 5-5 किलो दे दो, फिर भी नहीं दिया जा रहा है। ये क्यों सुविधा क्यों नहीं कराई जा रही है? आपके पीछे कितना परिवार है? मेरे पीछे बहुत सारा परिवार है। आपके साथ? मेरे साथ दो परिवार है, मैं विधवा हूँ। 14 साल राशन है आपके पास? राशन है मेरे पास, चालू नहीं है। तो कह रहे हैं कलेक्टर ही जाओ, बार बार कह रहे हैं, पर मैं कहा अभी तो कलेक्टर बंद हो रही है, ये पुलिस वाले डंडे लगाते हैं, कहाँ से जाएं हम लोग।